Like like, ट्राइड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जी डोबराइनर ने 1817 में हम कहते हैं कि उसने जो है हमें एक ऐसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी जिसमें तीन तीन एलिमेंट्स के उसने जो है वो क्या बनाया जी ग्रुप बनाया तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी थ्री एलिमेंट्स ग्रुप्स जो है वो उसने बिल्ड किए बनाए और जिसमें किस तरह से उसने क्लासीफाई किया जो उस वक्त तक एलिमेंट्स uh, डिस्कवर हो चुके थे उसको क्लासीफाई किया और जो की बुनियाद बनता है हम यहाँ पर लिख देते हैं बेस uh, जो है वो बनी थी या बेसिक हमारे पास मॉडर्न प्रोडिक टेबल को uh, जो है डिफाइन करने के लिए वो काफी था ठीक है यानी कि उसकी जो बुनियाद में हम कह सकते हैं बेस ऑफ मॉडर्न प्रोडिक टेबल है ट्राइड बनाने के लिए जो है बहुत हमारे पास मॉडर्न प्रोडिक टेबल बनाने के लिए जो है वो इसको हम क्या कर सके हैं यूज में ले आते आ चुके हैं ठीक है तो ये बुनियादी मराहल से जो है हमारे पास क्या गुजरा जी डोबराइनर प्रोडक्ट टेबल जो है या हम कह सकते हैं ट्रायल्स क्लासिफिकेशन जो है वो गुजरी ताकि हमारे पास मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो है वो बन सके अब इसके लिए जो एलिमेंट्स उसने लिए और जिसके हवाले से उसने एक्सप्लेन किया जी वो कौन कौन से थे उसको हम ले आते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं जी ये है जी हमारे पास कुछ एलिमेंट ठीक है जिसके अंदर तीन तीन एलिमेंट्स के उसने जो है वो ग्रुप बना दिए ठीक है एलिमेंट नंबर हमारे पास यहाँ पर वन लिथियम है सोडियम है पोटासियम है और फिर क्लोरीन है ब्रोमीन, आयोडीन है कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम है ठीक है तो ये तीन ट्रायड जो है वो बेसिकली हमारे पास बन गए वन टू और थ्री अब उसने क्या बताया जी उसने ये किया कि जो हमारे पास लिथियम और पोटाशियम है उन दोनों का मास अगर ऐड करें और टू पे डिवाइड करें जिसको हम क्या कहते हैं अरेथमेटिक मीन कहते हैं तो हमारे पास दरम्यान वाले एलिमेंट का मास जो है सोडियम का हासिल हो जाता है जो कि यहाँ पर ट्वेंटी थ्री आ रहा है इसी तरह से क्लोरीन का अगर हम ऐड करते हैं और आयोडीन का एड करते हैं और टू पे डिवाइड करते हैं और इसको अरिथेट मीन कहते हैं यानी कि जितनी वैल्यूज होती है उनको हम एड करें और नंबर ऑफ वैल्यूज जैसे हम दो वैल्यूज ले रहे हैं सेवन और थर्टी uh, नाइन या इसी तरह से हम यहां पर ले रहे हैं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव और वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव तो इनको हम कहते हैं कि दो दो हम ले रहे वैल्यूज तो इसलिए नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर दें तो इसको मैथमेटिक्स में हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं तो यहां पे हमें मिल गया ट्वेंटी थ्री सोडियम का इसी तरह से एटी वन मिला है ब्रोमीन का लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये चले एटी के करीब है ब्रोमीन का रोबेराइन ने कहा कि ये इसके तकरीबन तकरीबन करीब है और कैल्शियम और बेरियम का एड करके हमें क्या मिल गया स्ट्रॉनशियम का जो की एटी आ रहा था लेकिन उसने जो है वो एटी इसका जो करेक्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रॉनशियम का मैच था वो हासिल हुआ था इसलिए उसने कहा कि इस में इसके अंदर भी ये थोड़ा सा क्या हो जाता है जी 88 एट है चल, लेकिन हम इसको 87 के करीब करीब कंसीडर कर सकते हैं तो तीन ट्राइड में उसका एडवांटेज हमें क्या नजर आया जी उसने एक तो हमें बताया कि ऑटोमिक मैसेज है वो हम ए, इस तरह से अरेंज करें एलिमेंट्स को कि ऑटोमिक मैथ जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है जी इंक्रीज हो रहा है अगर हम यहां पर बात करें जो हमारे पास सेवन और थर्टी है नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है मैथ इसी तरह से यहां पर हम कहें वन तक जा रहा है थर्टी फाइव और फिर वन है इसी तरह से 40 87 और 137 है तो इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक मास हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ एक उसने ऑर्डर से बता दिया और साथ में क्या एक्सप्लेन किया जी उसकी प्रॉपर्टीज को बताया कि एक ट्राइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है अगर हम इस पहले वाले ट्राइड की बात करें तो इसको हम कहते हैं जी अल्कलाइन अल्कली सॉरी मेटल्स यहां पर हम लिख देते हैं जी अल्कली अलकली मेटल्स यानी कि ये हार्ड होती हैं और जो है वो इनकी जो अगर हम बात करें कि ये क्या अलकली क्या है जी ये बेस बनाती है अगर हम इसको क्या करें वर्षो के अंदर डिजोल्व कर दें ठीक है हम इन एलिमेंट्स को लें और वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो हमें और इसके बाद हम लिटमस पेपर उसमें डालें तो हमें क्या मिलेगा लिटमस पेपर का कलर जी ब्लू मिल जाएगा ठीक है तो हम इसको कह सकते हैं इसने क्या कर दिया है ब्लू कर दिया उस लिटमस पेपर को तो जिससे हमें पता चला कि ये क्या बनाती है बेस बनाती है ठीक है तो इसीलिए अलकली मेटल ये जो मेटल्स होती है इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वो बेस बना के दें तो इसको हम कहते हैं अलकली मेटल्स ठीक है सेकंड ट्राइड की बात करते हैं जी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इसको हम क्या कहते हैं जी नॉन मेटल्स कहते हैं यहां पर हम मेटल्स लिख देते हैं और ये क्या है जी हमारे पास नॉन मेटल्स ठीक है तो ये है हमारे पास नॉन मेटल्स यूजली गैस फॉर्म में होती है ये ठीक है और हम इनको कहते क्या है जी इनको हम कहते हैं हेलोजेंट्स यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलोजेंट्स ठीक है यानी कि सॉल्ट बनाती है ये ठीक है सॉल्ट फॉर्मेशन करती है जैसे कि हमारे पास नमक है एन यहां पर सोडियम के लिए मैंने एन लिखा है क्लोरीन के लिए सीएल लिखा है ठीक है तो ये मेटल्स के साथ मिलके ये जो सोडियम आपको यहां पर नजर आ रहा है क्लोरीन उसके साथ मिलके क्या बनाती है यदि नमक बनाती है तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं हेलोजिन कहते हैं ठीक है और थर्ड वन जो हमारे पास मिल रहा है जी उसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये तीनों की तीनों हमारे पास जी हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी ये है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है मेटल्स ये भी लेकिन क्या होती है अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है ठीक है इसको हम अर्थ को ठीक करके लिख देते हैं अर्थ मेटल्स हार्ड होती हैं जी और हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलती हैं ठीक है थीके? अर्थ क्रस्ट में बेसिकली मिलती है यानी कि पहाड़ वगैरह खोदे हम तो जो है वो हमें ये वाली मेटल्स जो है वो मिल जाती हैं ठीक है थीके? इसको हम कहते हैं जी अल्कलाइन अर्थ मेटल अब ये तो हमने इसको डिस्कस किया डोबराइनर ट्राइड को लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है जी इसमें खामी क्या है? ये हम यहाँ पर लिख देते हैं ड्रॉबैक यानी कि इसके अंदर क्या कमी रह गई है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं जी ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है ठीक है तो हम यहाँ पर ले आते हैं जी कि ये हमारे पास इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि अगर हम बात करें किसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई हो सकता है बाकी सब एलिमेंट्स जो उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे नहीं अप्लाई हुआ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्लीकेबल एप्लीकेबल ऑन फ्यू एलिमेंट्स ठीक है फ्यू एलिमेंट्स के ऊपर जो एप्लीकेबल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ नाइन है तीन ट्रायड्स उसने बनाए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन नौ एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे और जबकि उस वक्त तक हमारे पास डिस्कवर कितने हुए थे थर्टी थ्री एलिमेंट्स डिस्कवर्ड्स हो चुके थे तो इसी को कहते हैं जी डोबराइनर्स ट्राइड क्लासिफिकेशन 1817 में उसने हमें ये डिस्कवर करके दिया और क्या बताया जी कि तीन तीन एलिमेंट्स के उसने ग्रुप्स बना दिए और इस तरह से बनाया कि नीचे की तरफ अगर हम जाए तो इस ग्रुप के अंदर हमें क्या मिल रहे थे जी क्या एलिमेंट्स का मैस इंक्रीज करा था और उसकी प्रॉपर्टीज जो थी वो क्या थी सेम थी और यही बुनियाद बना दी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो इसको हम कहते हैं जी ये क्या है हमारे पास डोबराइनर्स ट्राइड क्लासिफिकेशन है